हमीरपुर में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने गांधी चौक में सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। अपने संबोधन में सुदर्शन पटियाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी, GST व कई विभागों का निजीकरण कर दिया है, जो कि अभी भी जारी है, जिससे देश के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो भारतीय सेना को भी अग्निपथ स्कीम के तहत लाकर सेना के गौरव को ही समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। पटियाल ने कहा कि भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ नाम देकर इसके निजीकरण की पूरी तैयारी कर ली है, जिसे आम आदमी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी तथा इसका डटकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग सेना में भर्ती होने के लिए पिछले 5-7 वर्षों से गर्मी सर्दी में सुबह शाम मैदान व सड़क पर दौड़ लगाकर अभ्यास करता आ रहा है, लेकिन अब सेना में मात्र 4 वर्ष के लिए ही नौकरी मिलेगी। यह आज की युवा पीढ़ी से सरासर नाइंसाफी है। इसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी तथा इसका जमकर विरोध किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने हमीरपुर नगर में रोष रैली भी निकाली, जिसे मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा, धनीराम धीमान, सुदर्शन पटियाल, खुशविंदर सिंह, संगठन मंत्री व अमर सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हमीरपुर से आपका फैसला संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।